एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो एक क्वेश्चन आया था कि किसी भी फाइल को सेव कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी। तो जैसे सपोज़ हमने कोई फाइल ओपन की, जैसे सपोज़ अभी हम ओपन कर लेते हैं वर्ड, वर्ड करें कि पावर पॉइंट, चलो पावर पॉइंट करते हैं, और ये हमने ओपन किया, ठीक है। तो अब हमने इसमें कुछ भी बनाया, जैसे सपोज़ मैं कुछ भी लिख रही हूँ, और ये जैसे सपोज़ हमारी पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन बन गई। अब हमने इसको सेव करना है, तो कैसे करेंगे? हम ऊपर जाएंगे, ऊपर ये सर्कल सा दिख रहा है, इस पर हमने करना है क्लिक, ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एज, सेव एज लिखा हुआ है, ठीक है। सेव एज पर करेंगे हम क्लिक। सेव एज पर क्लिक करके हम इसको कोई भी नाम दे देंगे। मैंने बैकस्पेस करके इरेज़ किया है, बैकस्पेस यहाँ पर होता है, इससे इरेज़ हो जाता है, और हमने इसको कुछ भी नाम दे देना है। सपोज़ मैंने इसको नाम दिया ए बी सी, ठीक है। और इसको हमने जहाँ पर भी सेव करना है हम उधर उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे अगर आपको सी में करना है आप सी में करो, नीचे देखो डी में करना है डी में। मैं डेस्कटॉप पर कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें आसानी से मिल जाए। डेस्कटॉप पर हमने इस पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर ही सेव कहीं पर भी हो जाएगा, और सेव पर क्लिक करेंगे और ये हो गया हमारा फोल्डर कोई भी सेव। ये तो था पावर पॉइंट। अगर आपको वर्ड करना है, वर्ड भी ऐसे करते हैं, ठीक है, और कोई भी एक्सेस हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, कुछ भी ऐसे ही सेव होती है सारी फाइल्स, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज़ करके देखते हैं सेव हुआ कि नहीं। हम क्रॉस पर गए और हमने क्लोज़ किया, और यहाँ पर देखो ए बी सी लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें कोई भी चेंजेस करने हैं, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर कुछ और ऐड करना है, करा। अब इसको हम चाहते हैं ये भी इसमें सेव हो जाए, तो एक तो ऑप्शन ये होता है कि जब हम इसको क्लोज़ करने लगते हैं तो वहाँ पर देखो जब हम क्रॉस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस यू मेड, मतलब कि जो हमने इसमें अभी चेंजेस किए हैं और कुछ ऐड किया, क्या आप चाहते हो वो भी सेव हो जाए? तो हमने येस पर क्लिक करना है, फिर ये भी चेंजेस भी सेव हो जाएंगे और ये भी सेव हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपने जो चेंजेस किए हैं सेव हों तो नो पर करना है, पर हम चाहते हैं चेंजेस सेव हों तो हम येस पर क्लिक करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपने चेंजेस किए उसके बाद आप जाओ होम पर, नहीं होम पर नहीं, इस गोल गोल पर, और सेव पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे चेंजेस भी ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। क्लोज करो और अब इसे ओपन करके देखो, देखो चेंजेस जो हमने नीचे लिखा था वो आएगा, आ रहा है, ठीक है। अब क्रॉस वाले को भी हम अप्लाई करके देखते हैं। अब यहाँ पर एक और थोड़े बहुत चेंजेस और कर देते हैं, इधर कुछ और भी लिख देते हैं, ठीक है। अब क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके अब इधर लिखा आएगा कि आप चेंज सेव करना चाहते हो, तो अगर तो हम नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं लिखा आएगा बीच वाला, अगर हम करेंगे तो आएगा। तो हम कर पहले हम नहीं करते हैं, नो करा। अब इसको ओपन करके देखते हैं क्या वो सेव हुआ, नहीं हुआ, है ना। अब दोबारा से ऐसे करते हैं और बीच में कुछ भी लिख देते हैं। अब क्रॉस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम येस करेंगे कि हाँ हम चेंजेस को सेव करना चाहते हैं, तो क्या बीच में लिखा आएगा ना, तो येस करते हैं कि हाँ हम चेंजेस को सेव करना चाहते हैं। अब हम इसको दोबारा से ओपन करके देखते हैं, चेंजेस सेव हुए, देखो हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर में चेंजेस करते हैं, उनको सेव करते हैं। किसी भी फोल्डर को सेव करना है तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।